2014 में भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी करने वाले केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में ही पहुंचे तिहाड़ जेल। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा सीएम केजरीवाल को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के बाद उनकी पत्नी ने पीएम मोदी को जमकर कोसा। केजरीवाल की जेल यात्रा से एक दिन पहले ही कल इंडिया अलायंस की रैली में सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया था उनका संदेश। 600 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत तथा तिहाड़ जेल से केजरीवाल को रिमांड पर ले सकती है सीबीआई। स्वतंत्र भारत के 75 साल के इतिहास में जेल जाने के बाद भी त्याग पत्र न देने वाले पहले मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के जेल पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर हो रहे हैं उनके सियासत में न आने, कांग्रेस भाजपा से समर्थन न लेने, गाड़ी बंगले से दूरी बनाने तथा बच्चों की कसम खाने जैसे पुराने वीडियो। दिल्ली व पंजाब में कांग्रेस की जड़ें उखाड़ने वाले केजरीवाल के इंडी गठबंधन में होने के चलते खुलकर उनके समर्थन में आ चुकी है कांग्रेस। अरविंद जी पूरे गठबंधन के लिए जुटा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? अब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है, और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी सुरेश कलमाड़ी, हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? एचडी कुमारस्वामी, चिदंबरम साहब, अलागिरी, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, जगनमोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। 30 साल तक हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने राज किया, 17 साल तक बीजेपी ने राज किया। आज हिमाचल प्रदेश में जितनी समस्याएं हैं, आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है। 30 साल कांग्रेस दोनों मिलके, सारे नेता मिलके मेरे को केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ने, अरे मैंने थोड़ी लूट लिया हिमाचल प्रदेश को, लूटा तो तुम लोगों ने, बताओ मेरा क्या कसूर है? अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अथवा इंडिया गेट्स करप्शन से राजनीति में अपनी जड़ें जमाने वाले अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार अथवा घोटाले के मामले में ही तिहाड़ जेल पहुंचना चर्चा में है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आज उन्हें शराब घोटाले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में अब सीबीआई भी उन्हें न्यायिक हिरासत से कोर्ट की परमिशन से रिमांड पर ले सकती है। अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा, और 11 दिन के ईडी रिमांड अथवा पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजने के फैसले को गलत बताया। इससे पहले सुनीता केजरीवाल कल रामलीला मैदान में ही तिहाड़ पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ चुकी है, और केजरीवाल को शेर करार देते हुए उन्होंने कहा था कि वह ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेंगे।
मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के भी है कि शराब घोटाला सामने आने से पहले तक नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही त्याग पत्र की नसीहत देने वाले केजरीवाल ने जेल पहुंचने के बाद भी रेजिग्नेशन नहीं दिया। आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में ऐसा करने वाले वह पहले मुख्यमंत्री है और चारा घोटाले में दोषी साबित हो चुके लालू प्रसाद यादव ने भी जेल जाने से पहले अपनी पत्नी की ताजपोशी कर रेजिग्नेशन दे दिया था। गौरतलब है कि अन्ना आंदोलन के दौरान 2012 में केजरीवाल ने यहां तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित भारत सरकार के 15 भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट जारी की थी। वहीं 2014 में उन्होंने इससे भी 3 गुना बड़ी देश के बेईमान नेताओं की एक अन्य लिस्ट जारी की थी, जिसमें पीएम मोदी को छोड़ देश के लगभग सभी बड़े दलों के मुख्य नेता शामिल थे। केजरीवाल के जेल पहुंचने पर आज दिल्ली के भाजपा नेता मनोज तिवारी ने शायराना अंदाज में उन पर तंज कसे और शराब के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक तथा आम आदमी पार्टी द्वारा वर्ल्ड क्लास बताए जाने वाले स्कूलों में भी घोटाले की बात कही। मनोज तिवारी ने कहा कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने पिछले एक दशक में दिल्ली की जनता को गुमराह किया, इसलिए उनके जेल जाने से दिल्ली के लोगों में भारी उत्साह है। गौरतलब है कि कांग्रेस शासनकाल में रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी केजरीवाल की शराब से कमाई की कोशिशों अथवा पॉलिसी की पहले ही निंदा कर चुके हैं। बहरहाल देश के बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्ट बताकर सियासत में पांव जमाने वाले तथा वर्तमान में 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बना चुके अरविंद केजरीवाल को आखिर उनके भ्रष्टाचार ने ही सलाखों के पीछे पहुंचाया और तिहाड़ की जेल नंबर 2 में उनके रहने की बेहतर व्यवस्था की गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरह केजरीवाल ने भी कोर्ट से जेल में रहने के दौरान उन्हें रामायण व महाभारत जैसी धार्मिक पुस्तकें रखने की अनुमति मांगी है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब दे। सुनीता जी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ ही इशारा कर दिया है, क्योंकि तानाशाही के प्रतीक, लोकतंत्र के विरोधी के प्रतीक और सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये प्रयास करके उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने वाले की, राजतंत्र का पोषण करने वाले का जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक परिचय दिया है, वो दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। रही बात आशीर्वाद की, देखिए आशीर्वाद उसको मिलता है जो जनता के लिए कुछ ऐसा काम किया होता है जिससे खुश होकर के जनता आशीर्वाद दे। आज दिल्ली के किसी गली में चले जाइए, ये मैं 70% दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और गलियाँ नालियों के पानी से बजबजाई, टूटी गली, बुजुर्गों का पेंशन नहीं मिल रहा है 2018 के बाद, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, दवाइयों के नाम पे नकली दवाइयां दी जा रही हैं अस्पतालों में, ऐसे में आप किस आशीर्वाद की कामना करते हैं अरविंद केजरीवाल जी और सुनीता जी? आपके पार्टी के लोग तो उनके लिए आशीर्वाद नहीं मांग रहे हैं। आप बताइए कितने लोग आए थे सड़कों पे दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद सड़क पे आए हो? हर आदमी खुशी मना रहा है कि भला हमको तकलीफ देने वाला, हमसे झूठ बोलने वाला जेल के अंदर है, लोगों को ठगने वाला इस दिल्ली में जहां कॉमर्शियल 8 रुपया यूनिट बिजली होती थी, आज 24 रुपया यूनिट बिजली है, कौन आशीर्वाद देगा इनको?